पूरे 2 दिन आज मतलब मैं कंटिन्यू चलता रहा। करेंगे भाई नींद अपनी पूरी, उनके सोया नहीं 2 दिन से, कभी सोएंगे देखते हैं 10-11 बजे आराम। तनवीर भाई मेरा बेटा हीरो है, हीरो रहेगा। इतनी बड़ी रोटी भाई, वीडियो में तो आपको छोटी दिख रही होगी भाई, बहुत ज्यादा बड़ी रोटी। Hey guys, good morning and welcome back to my channel दीबू खान। होप सब अच्छे से होंगे, मजे में होंगे एंड बहुत ही बढ़िया होंगे। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि पहुंचाए थे बीकानेर, तो उसके बाद में मॉर्निंग टाइम में सो गया था। तो अभी बज रहे हैं भाई 9, मैं सुबह 5 बजे सोया था तो अभी 9 बज रहे हैं। तो फिर से उठ गया तो अभी इधर से अपना गंगानगर 150 किलोमीटर है। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कर दें चैनल सब्सक्राइब एंड इंस्टा पे कर दें फॉलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपका भी ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू। तो सुबह सुबह ही ना भाई हम सोए थे और शमीम भाई रुका एक जगह, गाड़ी की सर्विस वगैरह करा दी, तो वहाँ से निकले अभी इधर ढाबे पर रुके। तो आप पियेंगे चाय वगैरह, फिर करेंगे अपना सफ़र आगे आगे के लिए कंटिन्यू। तो गाड़ी वो उधर लगाई है, सर्विस वगैरह होगी अच्छे से गाड़ी की, तो हम भी फ्रेश वगैरह हो गए। तो अब पीते हैं पहले चाय, नींद तो पूरी ऐसे ही आंखों में भरी हुई है। कनक इतनी बड़ी रोटी भाई, वीडियो में तो आपको छोटी दिख रही होगी भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी है। कनक की है बाजरे की, कनक आपकी राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, रोटी बोलते हैं। तो इसकी क्या प्राइस है एक रोटी की प्राइस है 70 रुपये। 70 रुपये की एक रोटी है। एक रोटी। ओ भाई साहब, 1 kg आटा भी लग गया होगा। इतनी बड़ी रोटी थी, 3 बंदों को भी ज्यादा होगी। राजस्थान नहीं है ये। तो निकल आए थे उधर से, तो अभी चावल लगा दिए मैंने, सब्जी बनी है, सोचा चावल वगैरह बना के सो जाएंगे, फिर जैसे ही उठेंगे तो खाएंगे खाना। तनवीर भाई गए पानी के लिए। तो अभी भी अपना बठिंडा 206 किलोमीटर और पठानकोट 470 किलोमीटर है यहाँ से अभी भी। वो बोर्ड पे आ गए तो चल रहा है, बट तेल गिर रहा है गाड़ी का, या भी कहीं हुई है पलटी पेपर वाली गाड़ी, या भी का मसला है अभी। तो कुछ इस तरह की लोकेशन पे रुक गए, तो खाना खा लिया, तो अभी रुके क्योंकि टायर वगैरह हो जाए थोड़े ठंडे गाड़ी के। और कल भी ऐसी जगह पे रुके थे, सेम ऐसी जगह, बिल्कुल ऐसी लोकेशन थी, और हवा चल रही है मस्त, क्योंकि अब पंजाब थोड़ी दूर पे हम पंजाब इंटर कर जाएंगे, तो उसी वजह से मौसम ना एक नंबर हो रखा है। हाँ छोटुआ देख देख देख, ठोकने में क्या बच गया भाई, ये जो देख रहे हैं भाई ये एक्सीडेंट का बहुत खतरनाक चांस है इसकी वजह से, देख लो ये बिल्कुल नहीं साइड होते हैं आगे से बिल्कुल भी। चोर है भाई ये पुलिस वाले इधर के, जो आरटीओ है ना। सरदार जी किसके साथ है? वो किस वाले, वो कौन सी पार्टी है? रोक लिया इस बेचारे को। वेलकम टू पंजाब। तो हो चुके इंटर
सेंटर पंजाब में, तो उस साइड में भाई राजस्थान रह गया। तो हम इधर हो चुके हैं पंजाब में एंटर। चल रहे हैं ग्रीन टनल से और देख रहे हो एप्पल वाली गाड़ी, ये कहा गई आगे से मस्त लग रही है। तो यहाँ पे पेड़ जो है ना बहुत क्लोज है, जब एप्पल वाली गाड़ी लेके आते हैं काफ़ी सोच समझ के ऊपर से, जब भी यहाँ अंधेरे में पहुँचते हैं भाई तो बहुत खतरा रहता है ऊपर गाड़ी लगने का। तो पहुँचा है गाइस फजल खा, तो गर्मा गर्म पकौड़े ले आए। तो अभी शमीम भाई वगैरह चाय पी रहे, मैंने चाय नहीं पी, मैंने पकौड़े लाए, पकौड़े खाऊंगा। और एक और गाड़ी अभी अपने कश्मीरी खाते, पहले पकौड़े और निकलते हैं फिर आगे। तो पहुंच जाए अमृतसर, तो बज रहे हैं रात के 11:30। बाय बाय अमृतसर वालों, स्पेशल फॉर विक्की एंड प्रीत। बच रहे हैं रात के 3, तो पहुंचा है जैन के बॉर्डर पे। अभी रोक दिया भाई बॉर्डर ही पे, पता नहीं क्यों रोक दिया, चेकिंग करेंगे क्या करेंगे इस बात का कोई पता नहीं है। तो लखनपुर बॉर्डर पे खड़े हैं, टोल तो हो गया। तो पहुंचा है अपने पंप पे जो के लखनपुर पार करते ही कठुआ में है। तो तरपाल उतार दी गाड़ी से भाई, ये दूसरी गाड़ी वाले को देनी है, हमने तो नहीं लाई। तो अब निकलेंगे फिर यहाँ से आगे। हाँ तनवीर भाई, मेरा बेटा हीरो है, हीरो रहेगा। गाइस तो सांबा हो चुका है बार, तो अभी इधर होटल पे रुके, अब पीएंगे चाय, फ्रेश भी हुए क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रखी है। तनवीर भाई भी साथ है और शमी भाई सोए हैं। तो आओ भाई जल्दी से चाय चाय पीते हैं फिर निकलते हैं आगे, बाकी नींद ना पूरी आ रखी है भाई। कल रात की भी ऐसी ही नींद है, आज की भी क्या ही बोला। तो चलो अब मिलते हैं आपको एक ही बार रोशनी हो। तो गाइस बज रहे हैं सुबह के 6:30, तो पहुंचा है नगरोटा हो चुका है अपना पार। तो गाड़ियां रोक दी हैं जम्मू में, मतलब समझो अभी जम्मू में तो पूरी कानवाई आगे रुकी हुई है। तो मैंने भी गाड़ी लगा दी इधर साइड पे, और अभी आते ही पहुंचते ही फर्स्ट ऑफ ऑल 2 दिन की नींद और तरपाल भी डाल दी। पूरे 2 दिन आज मतलब मैं कंटिन्यू चलता रहा, तो क्या ही अब काम तो करना है। तो अब करेंगे भाई नींद अपनी पूरी, क्योंकि सोया नहीं 2 दिन से, तभी सोएंगे देखते हैं फिर 10-11 बजे आराम से उठेंगे। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।